वेलकम टू माय यूट्यूब डिजाइनपुर में माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे बैड ब्लाउज डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिजाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और इस वीडियो क्लास तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको डिजाइन अच्छी तरीके समझ में आएगी। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। मैं आपको इसका लेंथ बता देती हूँ। तो मैंने जो ब्लाउज की लेंथ रखी है 13.5 इंच और 3 इंच की चौड़ाई देते हुए हम गले की पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने मार्क कर दिया है, नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई देते हुए मार्क कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड से जो मार्क किया है कुछ स्ट्रेट लाइन में बराबर कर लेंगे। अब गले का लेंथ का साइज लेंगे तो मैं गले का लेंथ 10 इंच पे रख रही हूँ, यहाँ 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से बराबर कर लेते हैं। अब गले का डिज़ाइन का मार्क करेंगे तो देख लीजिए मैं राउंड वी नेक में गला बना रही हूँ, तो मैंने उसका मार्किंग कर लिया, वहीं से कट कर देंगे गले को। ये देखिए मेरा गला कट चुका है। मैं ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ, बिल्कुल बराबर कर लेंगे कपड़े को और इसका भी गला सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो मैंने ब्लाउज के गले को भी कट कर दिया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर चलिए एक दूसरे के साथ फैला लेते हैं। अब मैं गले को स्टिच करूंगी तो बिल्कुल अस्तर और कपड़े को बराबर करते हुए पूरे गले को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने गले को स्टिच कर दिया है। अब इस पे हम कट्स लगाएंगे। इससे जब हम उलट कर सीधा करेंगे तो गला हमारा सेम वैसे ही आएगा जैसे मैंने कट किया है डिजाइन में। तो मैंने पूरा कट से लगा लिया है गले में। इसको मैं देखिए उलट कर सीधा कर ली हूँ, बराबर कर लीजिएगा गले को और स्टिच कर देंगे। तो चलिए मैं गले पे एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने गले को स्टिच कर दिया है। अब मैं इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग करूँगी। पहले देखिए हम शोल्डर के पास से भी इसको स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने देखिए शोल्डर के पास से भी स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की हम सिलाई कर लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने पूरे ब्लाउज की सिलाई कर दी है कम्प्लीटली। अब मैं इस पर आपको डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। तो डिज़ाइन कैसे बनाया जाएगा चलिए वो दिखाते हैं। सबसे पहले मैं गले पे पाइपन करूंगी तो उसके लिए मैं क्रॉस कटिंग में देखिए कुछ कपड़े कट कर ली हूँ पट्टी। अब इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे आपको भी करना है। ये देखिए पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलिए मैं ब्लाउज को लेती हूँ और उसके गले पे मैं पाइपर बना लेती हूँ। डबल फोल्ड करते हुए हम कपड़े को पहले स्टिच कर देंगे पूरे गले पे। तो आपको जितनी चौड़ी या पतली पाइपन चाहिए उतना चौड़े या पतले में आप स्टिचिंग कीजिएगा। जितना स्टिचिंग रहेगा उतना ही चौड़ा या पतला आपका पाइपन आएगा। तो देख लीजिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मुझे पतली पाइपन चाहिए। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए पाइपन जो है बना स्टिच कर दी है। सॉरी इसको मैं गोल करते हुए पूरा स्टिच कर लेती हूँ। ये देख लीजिए कम्प्लीटली मैंने पाइपन बना लिया है पूरे गले पे। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मुझे बस डिज़ाइन बनाना है तो चलिए मैं डिज़ाइन बना के आपको दिखाती हूँ।
मैंने स्क्वायर साइज के कुछ कपड़े लिए, इसका मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैं कैसे डिज़ाइन बना रही हूँ मैं आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, इससे आपको ये समझ में आ जाए कैसे मैं इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने कम्प्लीटली पूरा डिज़ाइन बना लिया है। तो आपको जितना डिज़ाइन यूज़ में आया आप उतना बना लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको इसको ब्लाउज के साथ में स्टिच करके दिखाती हूँ। तो मैंने देखिए बैक साइड का पार्ट ले लिया है ब्लाउज़ के। अब इस पे पहले मैं मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि बराबर में बिल्कुल डिज़ाइन बनना चाहिए इसलिए मार्क करना ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए, एक साइड से मैंने मार्क कर दिया है, दूसरे साइड से मार्क कर लेते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही इतने दूरी पे जितना मैंने इसमें गैपिंग दिया है। अब मैंने दोनों साइड से मार्किंग कर दी है। चलिए इस मार्किंग पे हम रखते हुए पूरा डिज़ाइन को स्टिच कर लेते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं डिज़ाइन को बना रही हूँ, सेम ऐसे आपको भी बनाना है। एक साइड से देख लीजिए, मैंने ये डिज़ाइन स्टिच कर दिया है। अब ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी करेंगे, जैसे मैंने इस साइड से डिज़ाइन को बनाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दूसरे साइड का, देख लीजिए मेरा दोनों साइड का बिल्कुल कंप्लीट है। अब मैं इसको लेस लगा के डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैं डिज़ाइन जहाँ से स्टिच की हूँ वहाँ से मैं लेस लगा लेती हूँ इसके ऊपर। ये देख लीजिए, ये मैंने डिज़ाइन पे लेस लगा लिया है। एक साइड से और स्टिच कर देंगे लेस को। तो मैंने दोनों साइड से लेस को स्टिच कर दिया है। ऐसे मैं दूसरे साइड से भी लेस को लगा लेती हूँ। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली लेस लगा दिया है। अब मेरा थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये डोरी ले ली है। अब इस डोरी को मैं कैसे डेकोरेट करूँगी मैं आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ, ऐसे आपको भी करना है जैसे मैं वीडियो में आपको बना के दिखा रही हूँ। पहले देखिए, मैं गले के बीचों बीच में, सॉरी जो गैपिंग था उसके बीच में रखते हुए डोरी को मैं स्टिच कर रही हूँ। ऐसे आपको भी करना है। ये देख लीजिए, ये मैंने डिज़ाइन के साथ, सॉरी डोरी को स्टिच कर दिया है ब्लाउज के साथ में। ऐसे दोनों साइड कर लेंगे और जितना आपको नीचे के साइड से डोरी को बांध के रखना है उतना आप ले लीजिएगा डोरी को। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया और डोरी को कट कर दिया है। अब ऐसे ही दूसरे साइड से देखिए, मैंने दोनों साइड से बिल्कुल बना लिया है। अब ये मैंने फ्लावर्स बनाने के लिए कुछ स्क्वायर साइज़ के कपड़े लिए हैं दो कलर में। अब इनका मैं कैसे फ्लावर डिज़ाइन बनाऊंगी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, ये मैं फ्लावर्स इसका बना लेती हूँ। तो मेरा देखिए फ्लावर्स बन चुका है। ऐसे मैं दूसरे साइड से बनाऊंगी फ्लावर्स को। इसको पहले मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। इस साइड से मेरा कम्प्लीटली बन चुका है। चलिए मैं दूसरे साइड का आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने दोनों साइड से बिल्कुल कम्प्लीटली फ्लावर बना लिया है। अब यहाँ से हम इस डोरी को बांध लेंगे। तो आपको जिस स्टाइल में बांधना आप उस स्टाइल में बांध सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बांध लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये मैंने आपको डोरी बांध के दिखा दिया है और ये डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइनर ड्रेस या ब्लाउज अगर परचेज करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ।
और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके वैरायटी पे जा सकते हैं, कोई डिज़ाइनर ड्रेस परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।